पुष्पा 2 की रिलीज से पहले ही मची कंट्रोवर्सी, फैंस में क्यों मचा बवाल। पवन कल्याण का बयान सुन लोग बोले अल्लू अर्जुन की तरफ ही है इशारा। पवन बोले कभी जिन पात्रों को रक्षक के रूप में दिखाया जाता था उन्हें आज खलनायक के तौर पर दिखा रहे। क्या पवन कल्याण ने किया अल्लू अर्जुन पर तंज? क्या पुष्पा 2 पर पड़ेगा इसका नेगेटिव असर? दोस्तों, सुपरस्टार अल्लू अर्जुन जल्द ही पुष्पा द राइज के सीक्वल पुष्पा द रूल पार्ट 2 में नजर आएंगे। इस फिल्म में उनके साथ रश्मिका मंदाना और प्रकाश राज जैसे कलाकार प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। बड़ी संख्या में फैंस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फैंस के अंदर जितना इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट है उतनी ही इस फिल्म की रिलीज डेट भी टलती जा रही है। पहले ये फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, अब ये फिल्म 6 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। पवन कल्याण ने दिया ऐसा बयान, मची खलबली। अब हाल ही में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जाने माने अभिनेता पवन कल्याण ने ऐसा बयान दिया है जो कि काफी वायरल हो रहा है। पवन ने फिल्मों में एक्टर के बदल रहे चलन और हीरो की बदलती परिभाषा पर बात करते हुए चिंता जाहिर की है। एक्टर ने कहा है कि पहले कभी जिन पात्रों को रक्षक के रूप में दिखाया जाता था उन्हें अब अक्सर फिल्मों में खलनायक के तौर पर दिखाया जाता है। क्या पवन ने किया अल्लू अर्जुन पर तंज? पवन कल्याण ने अपने हालिया इंटरव्यू में फिल्म गंधड़ा गुड़ी का जिक्र किया। एक्टर ने कहा कि यह फिल्म देखने के बाद मेरे अंदर जंगलों के बारे में जागरूकता विकसित हुई। ये फिल्म पूरी तरह से जंगल की रक्षा के बारे में है कि कैसे एक वन अधिकारी जंगल को तस्करी से बचाता है, लेकिन अब के नायक वो है जिसने जंगलों को नष्ट किया और वो तस्कर है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या पवन कल्याण ने जानबूझकर ऐसा बयान दिया है या फिर ये महज एक इत्तेफाक है? अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।